देखिए, करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 19वीं से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन होगा कि बताएँ कि यूट्यूब के नए CEO कौन बनाए गए हैं। तो भारतीय अमेरिकी नील मोहन, क्या नाम है इनका, नील मोहन को यूट्यूब का नया कार्यकारी या CEO नियुक्त किया गया। तो भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में प्रमुख सुसान विजेकी को नया स्थान लेंगे, मतलब ये किसके, जो सुसान विजेकी थे ये उसका स्थान लेंगे, और जो 25 वर्ष के बाद पद छोड़ेंगे। ये 25 वर्ष के बाद अब ये शामिल होने जा रहे हैं। 2008 में ये गूगल में शामिल हुए थे और 2015 में यूट्यूब के विशिष्ट के रूप में इन्होंने काम किया था, और फिर माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए। और ये पूछे तो ये स्टेफन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से स्कूल ऑफ बिजनेस में इन्होंने MBA किया। तो भारतीय अमेरिकी के कौन है, नील मोहन को यूट्यूब के नए CEO नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण शुरू हुआ। तो पूछेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ, तो आप बताएंगे नंबर 4 का संस्करण ये स्टार्ट हुआ है। ये क्या है, ये भारत और जापान के बीच में, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में ये चलता रहता है। तो इसमें जंगल अर्धशहरी इलाकों में कैसे किस तरीके से परीक्षण किया जाता, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है, या उसका ये इसमें ट्रायल करके देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेंगलुरु सिटी सेंटर दुनिया में सबसे धीमी ड्राइव हेतु दूसरे स्थान पर है। तो पूछेगा बेंगलुरु सिटी सेंटर दुनिया में सबसे धीमे ड्राइव पर कौन से स्थान पर है, तो आप बताएंगे ये दूसरे स्थान पर है। चलते हैं इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रतिरक्षा ट्रस्ट ISC और CBR ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछेगा हाल में ही किस किस ने हस्ताक्षर किए हैं प्रतिरक्षा ट्रस्ट पर, तो आप बताएंगे ICCI और CBR ने हाल में ही इन्होंने वो किया है। इनमें ISC ने और CBR ने, ये क्या है कि कैसे इन्वेस्ट करेंगे नई चीज़ों को, मौलिक को, अनुवादी को शोध करने के लिए इन पर ये किया गया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राष्ट्रीय स्तर का हैकथोन कवच 2023 लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रीय स्तर का हैकथोन कवच 2023 लॉन्च किया गया। ये क्या, ये 21वीं सदी का साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी पहचान करने के लिए नई दिल्ली पर ये लॉन्च किया गया, और इसके तहत पुलिस की टीमें काम करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा संस्करण शुरू हुआ। तो जो सुजलाम का छठा संस्करण है ये 17 फरवरी 2023 को गुजरात में किया गया, और मुख्यमंत्री गुजरात के कौन है, भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसकी खोज में स्टार्ट किया। ये 104 दिनों तक चलेगा और 31 मई 2023 तक चलेगा। ये झीलों को गहरा करने, चेक डैम व जलाशय को हटाने, नहरों की सफाई करने आदि से ये जला हुआ, मतलब स्टार्ट किया। तो सुजलाम सफलाम कहाँ पे चला, तो आप बताएंगे गुजरात। किसने चलाया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, और किससे संबंधित है, झीलों को गहरा करना, चेक डैम करने, जलाशय आदि, नहरों से संबंधित ही है। डेली करंट अफेयर में चलते हैं, देखिए पहले पॉइंट की तरफ। उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार कितने कलाकारों को दिया गया, तो आप बताएंगे 102 कलाकारों को ये दिया गया। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में जो समाचार में रहा किस पद पर नियुक्त से संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे संबंधित है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 में जो समाचारों में रहा, तो ये किस पद से नियुक्ति है, तो आप बताएंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में प्रचलित है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूछा जाएगा किस केंद्रीय मंत्रालय ने भू विरासत स्थलों व भू अवशेषों को विधेयक संबंधित मसौदा तैयार किया है, तो आप बताएंगे खान मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइल्स ने किया है। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइल्स ने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 133 के ए समाचारों में थी और उपयोग में जिसका कार्यालय सर्वेक्षण करने के लिए किया गया था, तो आप बताएंगे BCC ने। किसने किया, BCC ने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टॉक टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का कौन सा शहर यातायात की दुनिया में दूसरा सबसे धीमा स्थान बना है, तो अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, बेंगलोर बना है। कौन सा हो जाएगा आंसर, बेंगलोर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे प्रदूषित शहर और विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा प्राप्त है, तो आप बताएंगे मुंबई को ये प्राप्त है। और सबसे पहले स्थान पर इसमें पूछने लगे तो ये दिल्ली था, ये उसको पिछाड़ के अभी इसमें आया। करते हैं नेक्स्ट।
किस दिल्ली को स्वदेशी सॉरी किस कंपनी को स्वदेशी रूप से विकसित या ब्लैक बॉक्स के लिए DGCA की मंजूरी मिली है? तो आप बताएंगे HAL को मिली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये मिला है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, केरल के अकबर क्वटिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र को ये सम्मानित किया गया, ये लघु कथाकार हैं तो उन्हें ये चुना गया तो उसके लिए सम्मानित किया गया। तो केरल के अकबर क्वटिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप आंसर बताएंगे सुभाष चंद्रन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल में ही किसने इंडेक्स इन्वेस्टर हब II लॉन्च किया जिसके तहत प्रमुख भारतीय निवेशकों के द्वारा 200 करोड़ से अधिक की राशि पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है? तो आप बताएंगे राजनाथ सिंह, क्या आंसर आ जाएगा? राजनाथ सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कार्यकलाप व आध्यात्मिक विरासत का अभियान प्रसाद अपनी योजनाओं के तहत के लिए कितने तीर्थ केंद्रों की पहचान की है? तो आप बताएंगे 4 तीर्थ केंद्रों की उन्होंने पहचान की है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो आप बताएंगे भारत को ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर किया? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, DGP वीरेंद्र सिंह को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल को। किस में किया गया? वेस्ट बंगाल का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुजलाम सुफलाम जल के 6ठे संस्करण को वो किया? तो ये अभी बताया था गुजरात, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आप बताएंगे फिजी में, और फिजी की मैंने आपको राजधानी बताई थी क्या है? सुआ। देखिए 20 फरवरी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो 20 फरवरी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ पहले बात कर लेते हैं। RBI ने NBFC के लिए नए NPA उन्नयन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई है। तो पूछेगा किसने हाल में ही समय सीमा बढ़ाई है इनके लिए? तो आप बताएंगे RBI ने बढ़ाई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वयस्कों की शिक्षा के लिए सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो पूछेगा किसकी शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को चलाया गया? तो आप बताएंगे वयस्क जो अडल्ट होते हैं अडल्ट की शिक्षा के लिए चलाया गया। नेक्स्ट, केरल का पहला कारवा पार्क वागामोन में बनेगा। पूछेगा केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ बनेगा? तो आप बताएंगे वागामोन में बनेगा। तो केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनना जा रहा है, और पार्क राज्य सरकार की नई कार्य पर्यटन की नीति के हिस्से के रूप में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा, और राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा इसमें टूरिज्म की शुरुआत के लिए जो छुट्टी बनाने के रूप में यहाँ पर लोग बाग आते हैं या कोविड के प्रकोप से जो डरे थे तो यहाँ पर आने में वो घूम सकते हैं। चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, USA बांग्लादेश के संयुक्त अभ्यास कोप साउथ 2022 में आयोजित करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि USA और बांग्लादेश के संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे। तो पूछे कौन कौन से दो देश है? तो आप बताएंगे US और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत ने अपने टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने पेटीएम के साथ समझौता किया। तो टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो आप बताएंगे पेटीएम के साथ किया। नेक्स्ट है, शाहरुख खान ने गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित हुए। तो पूछेंगे शाहरुख खान के को गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारत की किस नवरत्न कंपनी को भारतीय त्रि सेवाओं की लंबी दूरी आर्टिलरी वेपन सिस्टम के घरेलू निर्माण और आपूर्ति के लिए इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप बताएंगे BEL पर किए हैं, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौते इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्य समाप्ति से पहले ही इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो आप बताएंगे डेविड मालपास। किसने किया? डेविड मालपास। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 5 साल से पहले ही अपने कार्यालय के उसमें मतलब इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आप बताएंगे डेविड मालपास, नाम रहेगा इनका डेविड मालपास। नेक्स्ट है, विश्व का पहला बादल निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे जानूस। कौन है, क्या नाम है उसका? जानूस। विश्व का पहला बादल निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, डैश ने नया एक्सोन W3400 और एक्सोन W2400 के डेस्कटॉप को वर्क स्टेशन प्रोग्रेस कोड नेम सेपरी रेड्स लॉन्च किया है, जो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रदान के लिए पेशेवर रचना के लिए बनाए गए हैं। तो ये किसने बनाए? कंपनी का नाम है इंटेल, इंटेल कंपनी ने ये क्रिएट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, BCCI की चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे चेतन शर्मा। BCCI
कि चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे चेतन शर्मा। जो चेतन शर्मा बीसीसीआई अध्यक्ष के पूर्व हैं, तो टीवी समाचार चैनल के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और चेतन शर्मा कौन है, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और राजनेता है जिन्होंने क्रिकेट टीम के लिए एक गेंदबाज के रूप में टेस्ट क्रिकेट में और अंतर्राष्ट्रीय उसमें वो खेले। इन्हें जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया और ये कपिल देव के गुरु भी थे। चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता, तो आप बताएंगे फरवरी के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता, फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत के किस डेस्कटॉप स्टार्टअप ने एयर इंडिया 2023 को सौर ऊर्जा में सूरज का प्रदर्शन किया, तो आप बताएंगे गरुड़ एयरोस्पेस में, गरुड़ एयरोस्पेस में। नेक्स्ट है पुलिस डैश अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD ने संयुक्त रूप कवच लॉन्च किया, तो आप बताएंगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। टाटा मोटर्स ने राजन अंबा को डैश प्रतिबंधन के रूप में नियुक्त किया, तो आप बताएंगे जैक्वार एंड लैंड रोवर के रूप में। टाटा मोटर्स राजा अंबर को डैश का प्रबंधक या मैनेजमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया, तो जैक्वार और लैंड रोवर का किया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया, तो आप बताएंगे विदेश मंत्रालय ने। भारत में किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया, तो विदेश मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग CW अंतर्राष्ट्रीय बाघ उत्कृष्टता के विकास के लिए डैश में समझौते पर ज्ञापन में प्रवेश लिया, तो आप बताएंगे IIT रुड़की ने। किसने लिया, IIT रुड़की। नेक्स्ट चलते हैं। लेक्सी किस देश के ChatGPT द्वारा संचालित पहली AI सहायक है, तो आप बताएंगे भारत। लेक्सी क्या है, नामक एक मतलब ऐसे टैबलेट टाइप लॉन्च हुआ है जो भारत की फिटनेस को देखेगा, किसी तरीके के संस्करण माना जाता है और ये ई कॉमर्स मतलब कंप्यूटर से संबंधित एक फर्म के रूप में लॉन्च किया गया। तो लेक्सी किस देश की ChatGPT द्वारा संचालित पहली AI है, तो आप बताएंगे भारत की। नेक्स्ट चलते हैं। 5 दिवसीय देवी महोरण पकरम की रचना किसने की, जो यक्षगान साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, तो आप बताएंगे बफीला नारायण भागवत। कौन है, बफीला नारायण भागवत। चलते हैं नेक्स्ट। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 किस सीमावर्ती गांवों के लिए विकास के लिए 4800 करोड़ रुपए की योजना का निवेश किया, तो 2025 और 26 तक के लिए किया। नेक्स्ट है PM मोदी ने किस राज्य के जल जन अभियान वर्चुअली का उद्घाटन किया, तो आप बताएंगे राजस्थान के लिए लॉन्च किया है।